मध्य प्रदेश के सतना जिले में दो जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद पूरे राज्य में अपराधियों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में पुलिस को एक अहम सुराग भी हासिल हुआ है। पुलिस का दावा है कि मुख्य आरोपी बजरंग दल के सदस्य हैं। ये तस्वीर उन दो जुड़वा भाइयों की है जिन्हें सतना जिले से अगवा कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य में बच्चों के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग तेज हो गई है। इस हत्या के बाद बीजेपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम सबूत जुटाए हैं। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि आरोपियों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे वाली बोलेरो जीप का इस्तेमाल किया था। वही एक ऐसी मोटरसाइकिल का भी उपयोग में लाई गई है जिसका नंबर प्लेट पर रामराज लिखा हुआ है। मुख्य आरोपी बजरंग दल के सदस्य बताए जा रहे हैं। प्रियांश और चित्रांश का सतगुरु ट्रस्ट स्कूल से अपहरण हुआ था। ये बहुत ही हृदय विदारक और सनसनीखेज घटना थी। तो इस घटना में हम लोगों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो फिरौती की रकम 20 लाख की रकम 20 लाख में 17,67,000 रुपये हमने बरामद कर लिए हैं और पिस्टल का जो उपयोग हुआ है वो बरामद कर लिया। अन्य जो कानूनी पहलू से हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है वो भी हमने एकत्रित कर लिया है। दोनों बच्चों की निर्ममता पूर्वक पानी में डुबो करके हत्या कर दी है। और यहाँ नहीं, बांदा जिले के मरका थाने मरका घाट के अंतर्गत मंदिर के पास दोनों बच्चों को एक जंजीर खरीदी और दोनों बच्चों को जंजीर से बांधकर फिर एक और जंजीर से पत्थर बांधकर घाट से नीचे ये किया। कल देर रात इस बात की कबूली की। पूरे दिन भर वो हमें घुमाता रहा कि इलाहाबाद में बच्चे हैं। रीवा के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने आरोपियों की रणनीति का खुलासा करते हुए बताया है कि इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड पद्म शुक्ला और विष्णु शुक्ला है। विष्णु शुक्ला बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें पद्म शुक्ला पर भाजपा सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के साथ दिख रहा है। पद्म इन संगठनों के साथ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में शामिल बताया जा रहा है। उसके संबंध में छानबीन की जा रही है। मास्टरमाइंड है पद्म शुक्ला उर्फ राम करण शास्त्री, निवासी चित्रकूट सदगुरु आश्रम के सामने। इसका छोटा भाई विष्णुकांत उर्फ छोटू बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। इसने जो घटना में दो गाड़ियां का इस्तेमाल किया है, मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट की जगह रामराजी लिखा हुआ है और बोलेरो गाड़ी पे बीजेपी का झंडा है। विष्णुकांत बता दें कि सतना जिले के चित्रकूट में सदगुरु पब्लिक स्कूल की बस से लौटते समय 12 फरवरी को दो मासूम बच्चों का हथियारबंद बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। दोनों ने ही भगवा रंग के कपड़े से मुंह छुपा रखा था। बच्चों के अपहरण के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज। प्रयागराज में बेखौफ अपराधियों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। जहां एक युवती को पहले बस से उतारकर अगवा किया और गैंगरेप कर आग के हवाले कर दिया। प्रयागराज में बेखौफ अपराधियों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांपने लगेगी। झूसी थाना क्षेत्र के अंदावाओं के पास बनारस जा रही एक युवती को बस से उतारकर अपराधियों ने उसे अगवा करके उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। नशे में धुत अपराधियों ने युवती के शरीर को सिगरेट से जलाया। युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित युवती आयुर्वेद के बीएमएस की छात्रा है जो बनारस विश्वविद्यालय से बीए कर रही है। पीड़ित युवती को पुलिस ने मेडिकल के लिए सरकारी महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जानकारी हो सकेगी कि कितने लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता के परिजनों ने झूंझी थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खाकी पर दबाव बढ़ने से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो सूबे के कानून का व्यवस्था भी सवाल निशान खड़े करते हैं। जबकि कुंभ मेले से 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी जब कुंभ का सफल और भव्य आयोजन चल रहा है,
जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद होने के बावजूद परिवहन विभाग की गाड़ी को रोकती हुई युवती को डरा धमका कर सवारियों से भरे श्रद्धालुओं की गाड़ी से बाहर निकालकर बेखौफ अपराधियों ने अगवा कर सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप किया और पीड़िता को जब होश आया तो उसने नशे से धुत अपराधियों के मोबाइल से परिजनों को मैसेज करके जानकारी दी और युवती ने 100 नंबर डायल कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को इलाज के लिए सरकारी महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने खाकी पर पूरे मामले को दबाने और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है, साथ ही सूबिया के मुखिया से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। हमारी बेटी बीएमएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है, वो इलाहाबाद से बनारस के लिए बस से झूसी में बैठी और झूसी अंदावा, जब बस वहाँ अंदावा से झूसी से चली अंदावा बाईपास के पास पहुँचते हुए उसको तीन लोगों ने आया और बस से घसीट कर उतार लिए। उतारने के बाद उसको मारते हुए कछवा तक ले जाए, कछवा बाजार, वहाँ से फिर वापस आते हुए दारू से साले उसको पिलाए और सिगरेट से जलाए। उसके जलाने के बाद छतनाक पे ले गए, छतनाक पे ले गए तो वहाँ सूचना, जब वो नशे में धुत थे तो किसी तरह से छूट के भागी तो किसी अज्ञात लोगों ने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पे पहुंची और उसमें से एक अपराधी को पकड़ा भी है और उसको थाने में रखे, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ से हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, अघन्य ये जो हो रहा है। अभी अभी कुंभ, इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हुआ, लेकिन देश की और प्रदेश की हमारी जो शासन व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं चरमरा चुकी है। जिस तरह से घोर अपराध हुआ है, हम चाहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो और फांसी की सजा हो। देखिए, जो ये सरकार है ये बहुत जुमलेबाज सरकार है। जिस तरह एक तरफ सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वहीं सरकार के रहते हुए, जबकि आज मोदी जी आए हुए हैं, कल ही की ये घटना है और इस समय जो है प्रशासन को जो है बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, जबकि और प्रशासन के एक्टिव रहते ही जो प्रशासन जो है इन मोदी की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहीं पर जो है आम जनता को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। कल इस दिन की घटना है जिसकी शिकायत रात में करीब 10 बजे के आसपास जूसी थाने में मिली कि एक छात्रा जो दूसरे जिले में पढ़ाई कर रही है वो वहाँ जा रही थी और उसका शिकायत है कि तीन लोग उसे बस से उतार लिए और अपने कमरे पर ले गए, वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया। इसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, एक अभियुक्त को उसमें से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अभियुक्त अभी फरार है। वो अभियुक्त ने बताया कि वो लड़की को जानता था पहले से और इस बात की और पुष्टि की जा रही है, लड़की को जानता था, कभी कोचिंग वगैरह में सब पढ़ा हुआ था साथ में, तो और बाकी दो उसके दोस्त थे। प्रयागराज की रहने वाली मेडिकल की छात्रा अपने घर शादी समारोह में छुट्टी लेकर शामिल होने आई थी। बनारस जाने वाली परिवहन विभाग की गाड़ी से जूजी बस स्टैंड से बैठी और गाड़ी महज 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंची तो अपराधियों ने गाड़ी को ओवरटेक करके रोका और असले की दम पर दहशत फैलाते हुए मेडिकल की छात्रा को बाहर उतारा। सवारियों से भरी बस में जब तक कोई यात्री समझ पाते, अपराधियों ने युवती को बाहर निकाल लिया था और उसे 4-व्हीलर में बैठा कर ले गए और जहां सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सभी ने बारी बारी से शराब पीकर उसके साथ जबरदस्ती गैंगरेप किया। जब पीड़ित युवती ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई और उसके ऊपर शराब भी फेंकी गई। उन सब में मौजूद एक बदमाश ने शराब पिलाने की कोशिश भी की। युवती ने शोर मचाने पर सिगरेट से जगह जगह उसके शरीर को छलनी कर दिया और फिर बारी बारी से सभी ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब सभी नशे में बेहोश हो गए थे तब दर्द से करार रही पीड़िता ने अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज किया और अपने ऊपर हुए जुर्म की दास्ता को बयां किया। कुंभ मेले से सटा हुआ इलाका है अंदावा, जहां से मेडिकल छात्रा को बलपूर्वक अगवा किया गया और पुलिस कुंभ मेले में चप्पे चप्पे पर मौजूद होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक हुई है कि बदमाशों ने युवती का शिकार कर लिया। पीड़ित छात्रा को इतना दर्द है कि चलने पर भी ठीक से चल नहीं पा रही है। मेडिकल छात्रा के साथ अगवा करके गैंगरेप की घटना जनपद खाकी के इस्तकबाल को कमजोर करती है और बेखौफ अपराधियों के हौसले को बुलंद करती है, जिन्हें वाकई में खाकी का बिल्कुल भी डर नहीं रहा कि इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया जो खाकी पर सवालिया निशान खड़े करता है। आरिफ राजू, प्रयागराज, टोटल न्यूज। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आरिफ राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, एक तरफ प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है,
महाकुंभ का आयोजन वहां क्या क्या है, लेकिन इस तरीके से जो मामले सामने आते हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े बदमाश आते हैं, अपहरण कर लेते हैं, गाड़ी से उतार देते हैं, उसके बाद रेप जैसी घटिया वारदात को अंजाम देते हैं, सवाल नहीं खड़े होंगे आप पुलिस प्रशासन पर? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जबकि करोड़ों लोग संगम की रेत पर रह करके यहाँ पर मेले में शामिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है इस तरीके से जो अपराधी उनके हौसले इस तरह बुलंद है, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस की कहीं खामियां नजर आ रही है। उसके साथ साथ पुलिस ने पूरे मामले में जो सागर यादव नाम का एक शख्स है जो मुख्य आरोपी इसका, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का अपना मानना यह है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को बताया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं इस लड़की और जो लड़का है सागर यादव उसके बीच में प्रेम प्रपंच का मामला रहा है, और हालांकि घटना पूरी तौर पर साफ हो जाती है कि गैंगरेप का पूरा मामला है, बदमाशों ने बस से उतारा है, गैंगरेप लिया करके किया है, उसके बाद उसको शराब पिलाई है, उसको सिगरेट दागा है, उसको तमाम तरह की प्रताड़ना दी गई है, लड़की ने किसी तरीके से निकल करके अपने पिता को फोन किया, उसके बाद ये मामला पूरा सामने आया है। तो ऐसे में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है कुंभ क्षेत्र के एकदम सटा हुआ क्षेत्र, दूसरी का इलाका जहाँ पे लड़की को अगवा किया गया था, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस की जो खामियां है वो साफ नजर आती है, लेकिन पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से ले रही है और पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी सागर यादव को गिरफ्तार किया है। जी, जो आरोपी है जितने भी ये सब थे, इनको पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी? देखिए, पुलिस का अपना कहना ये कि जो इस पूरे मामले में जिन लोगों के नाम प्रकाश में आए थे उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और दो लोगों की भी तलाश जारी है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, ये आरिफ, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के धन्यवाद आपका। पुलवामा हमले के बाद से देश में आक्रोश की लहर है, ऐसे में भारत पाक बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी है, लेकिन पुलवामा हमले की भी सुरक्षा और आतंकियों की मुठभेड़ लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में कुलगांव में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलवामा हमले के बाद से ही हालात काफी गंभीर हैं, जहां एक ओर भारत अपने जवानों को खोने से शोक में है और देश में आतंकवादियों को लेकर गुस्से की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर पुलवामा हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिल रही है। कुलगाम में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में SOG के DSP अमन ठाकुर शहीद हो गए हैं, DSP के अलावा सेना का एक हवलदार भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस मुठभेड़ में SOG के DSP अमन ठाकुर समेत 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। वहीं सेना का मेजर रैंक का एक अधिकारी और एक जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। मारे गए 3 आतंकी पुलवामा हमले के गुनाहगार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैं। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुलगाम के तुरीगाम इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। इसके बाद SOG टीम समेत दूसरे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें DSP अमन ठाकुर और उनके सहयोगी हवलदार घायल हो गए। DSP अमन ठाकुर को अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि एक और जवान की भी शहादत हो गई, जबकि मेजर रैंक के अधिकारी समेत एक और जवान जख्मी है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जैश मोहम्मद के आतंकी गाजी राशिद उर्फ कामरान को मौत के घाट उतार दिया था। जैश आतंकी गाजी 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। गाजी के अलावा एक लोकल जैश मोहम्मद आतंकी हिलाल को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। हालांकि इस मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। वहीं शुक्रवार को सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने जैश मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में असले बरामद किया है। सेना चला रही है ऑपरेशन 60। बताया जा रहा है कि घाटी में करीब 60 आतंकी सक्रिय है, इसमें 35 आतंकी पाकिस्तानी है। इन आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन 60 रखा गया है। इसके पहले सेना ने ऑपरेशन 25 चलाया था। इसके तहत सुरक्षा बलों ने आतंकी गाजी राशिद को मार गिराया था। एक और जहां सुरक्षा बल आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में 45 जवान शहीद भी हुए हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे।
इस हमले के ठीक दो दिन बाद यानी 16 फरवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग के विस्फोट में मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट शहीद हो गए थे। इसके दो दिन बाद यानी 18 फरवरी को पुलवामा के पिंगलीना में एक मुठभेड़ के दौरान सेना के एक मेजर सहित जवान शहीद हो गए। यानी पिछले एक हफ्ते में हमारे 45 जवान शहीद हो चुके हैं। फिलहाल पाक की नापाक करतूत और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत सख्त कदम उठा रहा है। नेशनल डेस्क आपका। कोलगांव में रविवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी अमन ठाकुर को आज अंतिम विदाई दी गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि डीएसपी अमन ठाकुर समेत 2 जवान शहीद हो गए। मारे गए तीनों आतंकी पुलवामा हमले के गुनहगार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी अमन ठाकुर को आज अंतिम विदाई दी गई। शहीद अमन ठाकुर के पार्थिव शरीर को रविवार शाम जम्मू लाया गया, जहां भारी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रोती बिलकती नम आंखों से हर किसी ने उन्हें अंतिम विदाई दी। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। हर दिल में गम जरूर था, लेकिन हर मन गौरवान्वित भी महसूस कर रहा था और हर किसी की जुबान पर यही शब्द थे कि वीर तुम अमर रहो, वीर तुम अमर हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तुरीगाम गांव का घेराव किया और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि इस मुठभेड़ में एसओजी के डीएसपी अमन ठाकुर समेत 2 जवान शहीद हो गए। वहीं सेना का मेजर रैंक का एक अधिकारी और एक जवान इस मुठभेड़ में घायल हो गए। मारे गए तीनों आतंकी पुलवामा हमले के गुनाहगार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैं। पुलिस विभाग में उनके करीबी मित्र ने बताया कि ठाकुर हमेशा से ही पुलिस बल में शामिल होना चाहते थे और उन्हें वर्दी पहनने का जुनून था। दक्षिण कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित कुलगाम जिले में उनके कार्यकाल के दौरान ठाकुर कई तिमाही से बहादुरी का पुरस्कार जीत रहे थे। अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए हाल ही में वे डीजीपी पदक एवं प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। उनकी बहादुरी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके साहस के लिए उन्हें शेर कश्मीर वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे थे शहीद डीएसपी अमन ठाकुर। 2011 बैच के जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के अधिकारी थे शहीद अमन ठाकुर। बदन पर वर्दी की चाहत में 2 सरकारी नौकरियों को छोड़कर पुलिस में शामिल हुए थे शहीद डीएसपी। सबसे पहले समाज कल्याण विभाग में काम करते थे शहीद अमन ठाकुर। पुलिस में आने से पहले सरकारी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त थे शहीद डीएसपी। जंतु विभाग में स्नातकोत्तर की डिग्री भी थी हासिल। हमेशा से ही पुलिस बल में होना चाहते थे शामिल। जम्मू के डोडा क्षेत्र के गोगला जिले के रहने वाले थे शहीद डीएसपी। पिछले 2 साल से कुलगाम में आतंक विरोधी अभियानों की कर रहे थे अगुवाई। पिछले महीने डीजीपी के कमेंडेशन मेडल और सर्टिफिकेट से गए थे नवाजे। 40 वर्ष के थे शहीद अमन ठाकुर। कुलगाम में कई तिमाही से जीत रहे थे बहादुरी का पुरस्कार। अपने अदम्य साहस के लिए शेर ए कश्मीर से भी नवाजे जा चुके शहीद डीएसपी। परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 6 साल का बेटा। अदम्य साहस और देश भर के लिए मर मिटने के जज्बे से लबरेज थे शहीद अमन। देश के लिए कुर्बान होकर अमर हो गए शहीद डीएसपी। आपको बता दें कि घाटी में करीब 60 आतंकी सक्रिय हैं, इसमें 35 पाकिस्तानी आतंकी हैं। इन आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन 60 रखा गया है। इसके पहले सेना ने ऑपरेशन 25 चलाया था। इसके तहत सुरक्षा बलों ने आतंकी गाजी राशिद को मार गिराया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, राज्य रक्षा मंत्री श्री सुभाष भामरे जी, देश के कोने कोने से आए आप सभी को आपके प्रधान सेवक का प्रणाम। आप सभी
भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व है, क्योंकि आज जैसे लाखों सैनिकों के शौर्य और समर्पण के कारण आज हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपने अपने शौर्य और समर्पण से जो परंपरा स्थापित की है वह परंपरा अतुलनीय है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया है। चुनौती को सबसे पहले कबूल किया है और उसका सबसे असरदार जवाब भी दिया है। जब लता दीदी ने यहां पर ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को स्वर दिए थे तो देश के करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई थी। साथियों, इस ऐतिहासिक स्थान पर मैं पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर करने वाले हर बलिदानी को नमन करता हूं। मैं राष्ट्र के सभी मोर्चों पर मुश्किल परिस्थितियों में डटे हर वीर वीरांगना को आज इस अवसर पर नमन करता हूं। साथियों, नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति और नई नीति से आगे बढ़ रहा है। मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका तय कर रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपके शौर्य, अनुशासन और समर्पण का है। आज मुझे बहुत संतोष है कि थोड़ी देर बाद आपका और देश का दशकों लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आजादी के 7 दशक बाद मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित किया जाने वाला है। इस स्मारक में हजारों शहीदों के नाम अंकित है जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। साथियों, राष्ट्रीय समर स्मारक की मांग कई दशक से निरंतर हो रही थी। बीते दशकों में 1-2 बार प्रयास हुए लेकिन कुछ ठोस नहीं हो पाया। आप